आप सबका स्वागत है सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी टॉप न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया और साथ में लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे निसान ऑटो कंपनी की। ये उन कंपनीज में से है जिन्होंने सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक कार्स को, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया और इलेक्ट्रिक कार जो इनकी लीफ है उसको लॉन्च किया सबसे पहले। और आज की डेट में अब तक जब से लॉन्च की है अब तक 4.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स, बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना, 4.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स आज तक ग्लोबली दुनिया भर में लीफ जो इलेक्ट्रिक कार है निसान की उसके मॉडल सेल हो चुके हैं। और ये जो इतना एक्सपीरियंस अभी इकट्ठा हुआ है, बिल्कुल इनके पास पूरा डाटा रहता है इन व्हीकल्स का, जो उनके पास टाइम टू टाइम अपडेट्स इनके जाते हैं या जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो भी सर्विस के दौरान जो एक्सपीरियंस है वो इतना ही इकट्ठा हो गया कि उन सबको इकट्ठा करके अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक एसयूवी ने लॉन्च किया मार्केट में जिसको कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल टेस्ला, ना सिर्फ टेस्ला के मुकाबले की बल्कि टेस्ला से 4 कदम आगे है। तो ऐसा क्या खासियत है उस पर बात करेंगे, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, तो लास्ट में कब लॉन्च हो रही है, कहाँ का लॉन्च हो रही है, उसका प्राइस क्या रहेगा, ये सब भी हम आज इस अपडेट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2019 में जैसा इसको एज ए कंसेप्ट मॉडल दिखाया गया था, तो जो फाइनल प्रोडक्शन मॉडल है जो आप इन वीडियोस में, ऑडियोज में, फोटोज में देख रहे हो, बिल्कुल उससे काफी हद तक मिलता जुलता उसको रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। और ये दो बैटरी पैक, दो मोटर ऑप्शंस और साथ में कई रेंज ऑप्शंस के साथ ही इसको लॉन्च किया गया है। जो बेसिक जो बैटरी पैक है इसमें 63 किलोवाट आर का लिथियम बैटरी पैक और साथ में 87 किलोवाट आर का बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगी, जिसमें हमें अगर हम बात करें 63 किलोवाट तो वहां पर जो मोटर की पावर है मैक्सिमम 218 एचपी की रहेगी। वहीं जो दूसरा बड़ा पैक है 87, वहां पर मोटर बड़ी दी गई है, उसमें आपको 242 एचपी यानी कि 242 एचपी की पावर मिलेगी। अगर बात करें रेंज की तो यहां पर आपको जो छोटा पैक है 63 किलोवाट आर का, इसमें आपको तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज, और वहीं जो बड़ा पैक है 87 किलोमीटर किलोवाट आर, उसमें आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज यहां पर कंपनी क्लेम कर रही है। बट ये जो जापानीज जो इनका टेस्टिंग सर्कल है उसके हिसाब से है, ग्लोबली इसमें अगर हम यूरोपियन की बात करें या अदर कंट्री की बात करें या यूएसए की बात करें तो उनके साइकिल जो टेस्टिंग है वो अलग है, तो वहां पर इसकी वेरिएशन रहेगी। अभी मैं जो बता रहा हूं ये सब जापानीज जो इनकी टेस्टिंग है या जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से ये आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा ये तो बेसिक मॉडल था, इसके अलावा इनके परफॉर्मेंस मॉडल भी है जिसमें ट्विन मोटर यानी कि ड्यूल मोटर रहेगी, बिल्कुल उसमें भी बैटरी पैक अलग अलग आपको, दोनों बैटरी पैक में आपको ये परफॉर्मेंस मॉडल भी मिलेंगे। अगर हम बात करें 63 किलोवाट आर की ड्यूल मोटर या ट्विन मोटर जिसको कह सकते हैं, 4x4 भी हम उसको कह सकते हैं, यहां पर और ज्यादा पावर आपको बैटरी जो है ज्यादा मिलेगी, 279 तकरीबन 280 एचपी की पावर जनरेट कर रही है और 560 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल रहा है जो कि मैसिव है, 560 न्यूटन मीटर टॉर्क। और रेंज इस मॉडल में जो कि परफॉर्मेंस है यहां थोड़ी सी कम रहेगी, तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज मिल रही है। वहीं जो 87 किलोवाट आवर बैटरी पैक है ट्विन ड्यूल मोटर 4x4, इसमें आपको 306 एचपी की पावर या मोटर मैक्सिमम जनरेट कर रही है और आपको 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पावर होती है दोस्तों 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और हाँ, लेकिन यह रेंज थोड़ी कम मिलेगी आपको, 400 किलोमीटर की रेंज कंपनी यहां क्लेम कर रही है। अगर मैं बात करूं पिकअप की, 0 to 100 इन जस्ट 5.1 सेकंड, वहीं जो डीसी फास्ट चार्जर जो है वो मैक्सिमम 130 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। ये था ओवरऑल। इसके अलावा बात करेंगे हम इंटीरियर की, तो यहां पर आपको दो मैसिव, जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे हो, मैसिव दो बड़ी स्क्रीन 12.5 इंच की आपको यहां मिलेगी, बाकी 4G कनेक्टिविटी, पर्सनल असिस्टेंस फीचर्स और बिल्कुल पूरा इंटीरियर्स का एकदम लग्जरी फीलिंग देखकर यहां पर आती है और एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी हम आरिया को, निसान आरिया को कह सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स, काफी लंबी लिस्ट है सेम टेस्ला की तरह, लाइक इमरजेंसी ब्रेक, इंटेलिजेंट फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इंटेलिजेंट अराउंड व्यू मॉनिटर या 360 डिग्री कैमरा जिसको कह सकते हैं, रियर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बिल्कुल एडवांस ऑटो पायलट या ऑटो ड्राइव या हैंड्स फ्री ड्राइविंग जिसको कह सकते हैं,
वो यहाँ पर बिल्कुल टेस्ला के लेवल का आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ये अभी ऑटो ड्राइव ऑटो पायलट सिर्फ जैपनीज स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। अगर ये अभी इसका अदर्स कंट्रीज में ये आपको अवेलेबल होगा नहीं, इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। और सबसे पहले इसको अब निसान जैपनीज है तो सबसे पहले जापान में ही लॉन्च होगा, वो भी इस साल नहीं अगले साल से, बिल्कुल 2021 से जापान में लॉन्च होगा। उसके बाद ये दोबारा यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जो स्टार्टिंग प्राइस है इसका 40,000 US डॉलर यानी कि रफली 30 लाख से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम बात करें अब इंडिया के हिसाब से तो निसान ऑलरेडी इंडिया में है कई साल से, उम्मीद है कि बाकी जैसे कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करें तो निसान भी, क्योंकि सभी कंपनीज अगर मैं ह्यूंडई की बात करूं या एमजी मोटर्स की बात करूं तो उन्होंने अपने हायर एंड पहले लॉन्च किए हैं। वो दिखाने के लिए होता है कि उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमेशा हायर प्रोडक्ट हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको पहले लॉन्च किया जाता है, उसके बाद सेकंड अफोर्डेबल या मिडिल सेगमेंट में जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया जा सकता। तो हो सकता है बिल्कुल अगर निसान भी सेम पॉलिसी पर चले, उनकी सेम प्लानिंग रहे कि पहले एक हाई एंड प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जिससे उनको पता लगे कि उनके पास क्या कैपेसिटी है, किस तरह की लेवल की उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है कि निसान आरिया इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडिया में भी पहले लॉन्च करे। बट इस साल मुश्किल है, अगले साल भी हम कह नहीं सकते, अगले साल के लास्ट में या 2022 के स्टार्टिंग में भी इसको इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं निसान, या कोई और इनका प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। आजकल इतना ही, ओवरऑल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा इस गाड़ी के बारे में, और लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज टेस्ला के कहाँ आपको ये बराबर लगती है, टेस्ला से डाउन है या अप है, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक बार फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट वही जो मैं हमेशा करता हूँ कि आप जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइबर बटन के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले सभी अपडेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हों, लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हों, आपको मिलते रहें सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।